हाउ आर यू ऑल? आप सभी कैसे हैं? होप ऑल यू आर डूइंग गुड. आई एम डूइंग गुड टू. तो चलिए स्वागत करते हैं आपका मेरे चैनल सोनल सिंह सी माई वर्ल्ड में. और आपके शहर का क्या हाल है कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मेरे शहर मतलब मेरे शहर मुंबई में बहुत बारिश हो रही है, और जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मुंबई में बारिश ज़्यादा होती है, और यहाँ पे मानसून भी आ चुका है, तो अब लगभग डेली ही बारिश हो रही है. और आज लंच में मैं राजमा बनाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ राजमा की रेसिपी शेयर की जाए. और जैसा कि आपको पता है कि हम स्त्री हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम एक ही सब्जी को हम कई तरीके से बनाते हैं. जैसे राजमा को भी मैं कई तरीके से बनाती हूँ. मुझे पता है कि सारी औरतें आप लोग भी राजमा को कई तरीक़ों से बनाते होंगे, अलग अलग तरीके से. तो मैं भी कभी किसी तरीके से कभी कैसे करके बनाती हूँ, अलग अलग ट्राई करते रहती हूँ, कभी कुछ डाल के कभी कुछ डाल के. तो आज जैसे मैंने राजमा बनाया है, आप देखिए और आप भी ट्राई करिए, आपको घर पे ट्राई करिए, बना के देखिए कि कैसा लगता है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा. तो चलिए राजमा बनाना शुरू करते हैं. दोस्तों ये मैंने 200 ग्राम राजमा ले लिया है, और इसमें 2 ग्लास पानी डाला है. इसको मैंने रात भर भिंगो के रखा था, और इसको मैंने अच्छे से धो के कुकर में डाल दिया है, और 2 ग्लास पानी डाला है. और इसको मैं 3 सीटी तक आने तक, कुकर के 3 सीटी तक आने तक गैस पे चढ़ाऊंगी. दोस्तों मैंने राजमा में थोड़ा सा नमक भी डाला है. शुरू में हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे दोस्तों, और बाद में मीडियम कर देंगे. तो मैंने कुकर अपना गैस पे चढ़ा दिया है. यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक बड़ा कटा हुआ प्याज ले लिया है धनिया की पत्ती गार्निशिंग के लिए, एक छोटा स्पून नींबू का रस, आप इसकी जगह आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, मैंने नींबू का रस लिया है. ये अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, ये 2 बड़े टमाटर, ये हम कट करके डालेंगे, और ये 2 आलू. ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं या स्किप कर सकते हैं. और आलू आप बॉईल करके भी डाल सकते हैं. मैं कभी कभी बॉईल करके डालती हूँ, कभी कभी ऐसे कट करके तड़के में. 1 चम्मच दही लिया है फ्रेंड्स. यहाँ पे मैंने कुछ सूखे मसाले ले लिए हैं, तो मैंने जीरा लिया है, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और नमक. नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा. और नमक हमने पहले राजमा में भी डाला है उबालते टाइम, तो इसके लिए नमक का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा ना डालें. ये मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, और ये मेरा ऑयल ऑलमोस्ट गर्म होने आया है. अब मैं इसमें जीरा और प्याज डालूंगी. मैंने यहाँ पे जीरा और प्याज डाल दिया है, इसको अच्छे से लाल होने तक पकने देंगे. और इसमें अब हम अदरक लहसुन और मिर्ची का जो मैं पेस्ट बनाया था वो डाल, मैंने अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल दिया, और अब हम इसको लाल होने तक भूनेंगे. मैंने अपने आलू कट कर लिए हैं, आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं. देखिए दोस्तों मेरा प्याज थोड़ा ब्राउन हो गया है, तो मैंने इसमें आलू डाल दिया है, और अब हम इसे आलू को 2 मिनट तक पकाएंगे तेज आंच पे, और इसको चलाते रहेंगे. सारे सूखे मसाले इसमें डाल दिए हैं, और हम इसे चला लेंगे. ये देखिए दोस्तों मैंने चला लिया है, मिक्स कर लिया है मसालों को अपने आलू में. और अब हम इसके बाद इसमें जो मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे उसको कट करके इसमें डाल देंगे, और इसको भी चला लेंगे. इसको हम 2-3 मिनट के लिए ढक्कन से ढक देंगे. ये मैंने ढक दिया है. 2-3 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया और इसको चला लिया. अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे. अब देख सकते हैं दोस्तों इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे. थोड़ी हाई फ्लेम पे इसको 1 मिनट तक पकने देंगे, उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे. ये मैंने देखिए 1 मिनट तक तेज आंच पे पका रही हूँ इसको, फ्लेम स्लो कर दिया मैंने. और ये जो मेरे मैंने दही ली थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ. दही डालने से टेस्ट दोस्तों बहुत अच्छा आता है, आप भी डाल के ज़रूर बनाइएगा. मैंने इसमें दही डाल दिया है दोस्तों, और इसको 10 मिनट तक ढक के पकाएंगे. और
10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे और ध्यान देंगे कि हमारे मसाले कढ़ाई में चिपके ना। दोस्तों ये देखिए मेरे मसाले बहुत अच्छे से भून रहे हैं और मैं आलू को थोड़ा ऐसे ही प्रेस कर दूँगी क्योंकि राजमा में खड़े खड़े आलू अच्छे नहीं लगते, तो आलू को ऐसे ऐसे हल्के से प्रेस कर देंगे। और दोस्तों अब मैं इसमें राजमा डाल दूँ, ये पानी को सही से डाल दे दूँगी और इसको अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों 10 मिनट के लिए ढक देंगे पकने के लिए और बीच बीच में चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स इसको मैंने ढक दिया है और इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम पकने देंगे और बीच में एक दो बार चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मेरा राजमा बन चुका है और मैं जा रही हूँ लंच करने। चलिए आप भी मेरे साथ लंच करने। फ्रेंड्स ये मेरा लंच है, मैं जा रही हूँ लंच करने। राजमा, दही, प्याज, राइस, रोटी। फ्रेंड्स तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको राजमा की रेसिपी कैसी लगी और आप घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को, और एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।